सृष्टि शर्मा, मैं 9th में पढ़ती हूँ। जब मैं उनसे मिली पहले तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी कि मैं उनसे क्या बात करूंगी, बट आई वाज हैविंग अ टॉपिक जो मेरे दिमाग में बहुत देर से था, अनएम्प्लॉयमेंट जो इस देश में हो रही है ड्यू टू GST एंड जो ये नोटबंदी वगैरह हुई है जो हमारे प्रधानमंत्री ने किया। तो मैंने उनसे इसी के बारे में बात की कि जैसे ही इलेक्शन होते हैं आई वॉन्ट यू टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री एंड जस्ट फिनिश दीज थिंग्स जो हमारी कंट्री को डाउन लेके जा रही हैं। एंड ही वॉज रियली अप्रिशिएटिंग दीज थिंग्स दैट हमारे देश के लोगों को ये सब चीजों के बारे में पता है एंड दे आर अवेयर ऑफ इट। मैं तो उन्हें बहुत देर से फॉलो कर रही हूँ, लाइक ही इज अ इंस्पिरेशन फॉर मी। ही इज वेरी पोलाइट विद किड्स, उन्होंने हमसे बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात की। लाइक अदर पॉलिटिशियंस भी हू आर वेरी यू नो रूडली दे टॉक, बट ही वॉज रियली स्वीट एंड उनके बोलने का तरीका, उनके चलने का ढंग, ही इज अ वेरी गुड पर्सन एंड आई फील लाइक ही इज अ परफेक्ट पर्सन टू गाइड दिस कंट्री। यात्रा इसीलिए शुरू की गई है, देश में जो रिलीजन्स के लिए भी बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, राहुल गांधी जी ने इन सबको इकट्ठे यात्रा में जोड़ा और सारे इकट्ठे चले एंड दैट वाज हिज पर्सपेक्टिव। वो यही चाहते थे कि पूरा देश इकट्ठे होके जाए, मिले और मतलब उनके बीच में कुछ भी भेदभाव उन्होंने नहीं किया। वो यही चाहते थे कि मतलब सारे इकट्ठे रहे।